हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप अगर जर्मन यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहे हो तो आप अपना सेमेस्टर कार्ड हर सेमेस्टर किस तरह से रिन्यू करवा सकते हो। मेरे साथ अबीर है और ये जो सेमेस्टर कार्ड है इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं आपको। एक तो ट्रैवलिंग एक तरह से फ्री मिल जाती है। अगर मेरी आवाज़ एक बैलून की तरह लग रही है तो मुझे बुखार हो रहा है। खैर, यहाँ पे हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर और हर यूनिवर्सिटी के अंदर इस तरह से मशीन होती है। यू जस्ट नीड टू पुट योर कार्ड इन और वो खुद बाहर आ जाएगा एक नई डेट के साथ। मैं पहले आपको कार्ड दिखाता हूँ। तो इस तरह का आपको कैंपस कार्ड मिलता है सेमेस्टर टिकट के लिए। अभी ये वाला जो कार्ड वैलिड है ये 31st of March तक वैलिड है। जैसे आप ये कार्ड एंटर करोगे उसके बाद ये खुद वापस आ जाएगा और यहाँ पर ये जो डेट है वो एक्सटेंड हो जाएगी। कार्ड आ गया वापस और यहाँ पे अब हमारी जो एक्सपायरी है इस कार्ड की वो पढ़ के 30th of September तक चले गई है और अभी यूनिवर्सिटी में बिल्कुल सन्नाटे लगे पड़े हैं। अच्छा, हमारी यूनिवर्सिटी का जो कार्ड है ना ये थोड़ा सा स्मार्ट कह सकते हो क्योंकि ये हमारी कैंटीन और मैसेज वगैरह के अंदर भी चलता है। डामस्टर्ट के अंदर भी हमारा एक कैंपस है और TU डामस्टर्ट के अंदर भी ये कार्ड वैलिड है। हम जिस भी मैसेज के अंदर जाके लंच वगैरह करना चाहें तो ईज़िली हमारी जो पेमेंट है वो कार्ड के थ्रू हो जाती है और इसी से डिस्काउंट्स वगैरह मिलते हैं। अगर आप किसी थिएटर वगैरह के अंदर भी जाते हो तो यहाँ पे वो भी फ्री है। तो ये सीन था, छोटी सी वीडियो थी, आई होप अच्छी लगी होगी। मेरे और भी व्लॉग्स देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर सकते हो, फेसबुक पे भी। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। बाय बाय।